नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ओप्पो F15 मोबाइल, और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे नोटिफिकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, तो यहाँ पर आपको फुल सेटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में स्वाइप टू डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्वाइप टू राइट, अगर राइट स्वाइप करेंगे तब आपका डिलीट होना चाहिए मैसेजेस वगैरह, या फिर लेफ़्ट, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। कुछ लोग हैंड लेफ़्ट हैंडी होते हैं, राइट हैंडी होते हैं, तो उनके लिए है। और यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करते ना लॉक स्क्रीन पे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, तो वो सेटिंग है, तो आप इसको ऑन कर लेंगे। और इसके बाद मैनेज नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने मिलता है सबसे ऊपर, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, टाइटल एंड बॉडी, यानी कि किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है तो व्हाट्सएप लिखा हुआ आता है, और व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ भेजा है वो भी आपका ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन पे, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ व्हाट्सअप लिखा है तो आप यहाँ टाइटल पे क्लिक कर लेंगे, तो मेरी माने तो टाइटल पे क्लिक कर लेंगे। डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देंगे, तो यहाँ पे आप देख लेंगे अपने हिसाब से। और इसके बाद मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो शॉट नोटिफिकेशन भी रिसीव होने स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से आपको रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप ओपन नहीं करना चाहते हैं एप्लीकेशन, और वहीं से शॉर्टकट में आप रिप्लाई कर देना चाहते हैं, तो आप इसे ऑन कर लेंगे। इसके बाद बैक कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन की तरफ से जो जो नोटिफिकेशन आते हैं वो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। इसको तो आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि लाइट ग्रीन है। नॉर्मली आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं डायरेक्टली, तो सारे नोटिफिकेशन, हर तरीके के नोटिफिकेशन यहाँ पे बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन रिसीव करने हैं, कुछ बंद करने हैं, तो नॉर्मली आप ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डॉट का ऑप्शन आ जाता है, ये रेड कलर के जो डॉट देखने को मिलते हैं, अगर बंद करना है तो यहाँ से आप नो बैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप ऐसे करके क्लिक करके यहाँ से ऑन ऑफ कर लेंगे, और यहाँ पे बाकी के एप्लीकेशन देख लेंगे, ऐसे करके ओपन कर लेंगे। और देख सकते हैं ब्राउज़र की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं, एक्टिविटीज़, डाउनलोड्स, इनकॉग्निटो मोड, यहाँ से, तो इस टाइप से आप कर करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, और ये साइट्स की तरफ से आते हैं आपको, तो इस टाइप से आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऑफ कर देंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और बैक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन रिसीव करते टाइम आपकी स्क्रीन जल जानी चाहिए, तो आप इसे ऑन कर देंगे, ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। और एक नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट का ये रह गया है, तो यहाँ पे आपको आइकन शो करने हैं आपके जो व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह बने हुए आते हैं ऊपर आपके यहाँ पे, तो आप आइकन पे क्लिक कर देंगे। अगर नोटिफिकेशन काउंट शो करना चाहते हैं तो काउंट कर देंगे, काउंट में गिनती आती है कि तीन एप्लीकेशन की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आया है। डू नॉट शो कर देंगे तो कुछ भी नहीं शो करेगा ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लीजिएगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।